अच्छा स्क्रीन शेयर हो गया। हेलो। हाँ यस मैम। मैम। अच्छा ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, ये देखो इलास्ट्रेशन 1, ये वाला होमवर्क दिया था मैंने। इसका जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों ही करना था। तो तुम लोग कोशिश करो, एक एक मुझे बताओ क्या होगा, क्योंकि मैंने बता दिया था रूल्स क्या होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में, कि कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोग क्या मानेंगे। कंसाइनमेंट को एक नॉमिनल अकाउंट मानेंगे, जहां पर जब भी एक्सपेंस होगा तो उसे वो तो डेबिट। हमको आता है। कैन आई एक्सप्लेन? हाँ हम किए थे मैम, हमको पता है क्या करना है। जब आप बताए थे ना उसी हिसाब से हाँ हम ये किए थे। पता है, मेरा अकाउंट तो एक बार खत्म हो गया ही है, ये तुम लोग का तो सारा ही हो गया होगा। हाँ मैम, ये तो हम लोग का रिवीजन चल रहा है ना, तो हम बताए क्या। अच्छा रुको एक मिनट, कोई आया। तुम लोग कॉपी में करो तब तक, एक मिनट, जिन लोग को आता है वो लोग करते जाओ। गुड इवनिंग अरिजीत। गुड इवनिंग मैम। तो ये देखो हम लोग होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। बहुत जन से हुआ है, मतलब बहुत जन से होता, लेकिन बहुत लोगों ने किया नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग नहीं किए, पता था फिर भी, और किसी किसी का हुआ नहीं। ठीक है, जो भी हो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जिनसे हो जाएगा वो लोग लिखते जाओ कॉपी में। ठीक है, अब देखो क्या है। एक्स मैंने बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या मानना है हम लोगों को। ठीक है, जिससे होगा ना वो कर लो। ठीक है, पायल अगर होगा तो करो, जब ये आंसर दिखेगा तो टैली कर लेना कहाँ गलत है। ठीक है, तो करते जाओ, और जिन लोग को नहीं पता है एक बार फिर से सुन लो। कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोग क्या अकाउंट मानेंगे, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, अगर हम लोगों का एक्सपेंस या फिर लॉस होगा तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट, और इनकम या फिर गेन होगा तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब देखो पहला एंट्री क्या था, एक्स सेंट ऑन 1 जुलाई 2016 टू वाई गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एंड स्पेंट 1,000 ऑन पैकेजिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखो दो ट्रांजैक्शन हुआ है। तो तुम लोग बेसिक में पढ़ रहे हो ना कि ट्रांजैक्शन जब दो बार, मनीटरी ट्रांजैक्शन दो बार है तो एंट्री भी दो बार ही होना चाहिए, लेकिन सेम डेट पे है। तो देखो 1 जुलाई, तो पहले क्या हुआ है, एक्स जो है, एक्स बोल के जो है वो वाई बोल के किसी को, ठीक है, ये पर्सन है। ठीक है, एक्स एक पर्सन है, वाई एक पर्सन है, दोनों नाम है। ठीक है, एक्स ने क्या किया, वाई को 50,000 का गुड्स पेंट किया है। तो अब हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, देखो ये लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो प्लीज मुझे बताओ कि कौन कंसाइनर है कौन कंसाइनी है। कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टी ही तो इन्वॉल्व होता है कंसाइनमेंट में, एक पार्टी होता है कंसाइनर। विश्वजीत ध्यान दो, तुमने उस दिन क्लास नहीं किया तो हम फिर से थोड़ा ये बोलेंगे, तो बस यही सब मैंने वहां पर बोला था। बाद में वीडियो मिल जाएगा तो और भी डिटेल्स में देख लेना। कंसाइनमेंट में दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर मतलब जो अपना गुड्स भेज रहा है किसी को, ठीक है, कंसाइनर मतलब वो पार्टी जो अपना गुड्स भेज रहा है दूसरे पार्टी को, ये सेंडर है। ठीक है, और ये कौन है, रिसीवर है। ठीक है, रिसीवर है, और गुड्स किसका होता है, गुड्स कंसाइनर का ही होता है, उसी का ओनरशिप रहता है, वो बस कंसाइनी को एज ए एजेंट मतलब यूज करता है, यूज नहीं मतलब एज ए एजेंट उसे बोलता है कि तुम मेरा सामान बेच दो, उसके बदले तुम्हें कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका सामान खरीद के नहीं बेचता है, कंसाइनी कंसाइनर का सामान कभी भी खरीद के नहीं बेचता है, बिहाफ ऑफ कंसाइनर बेचता है। ठीक है, मतलब और इसके बदले इसको कमीशन मिल जाता है, इसलिए इन दोनों का रिलेशनशिप जो होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह होता है। ये सब मैंने बताया था, तो प्लीज इस क्वेश्चन में मुझे बता दो कौन है कंसाइनर और कौन है कंसाइनी। क्वेश्चन तुम लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, प्लीज मुझे बताओ कौन कंसाइनर है और कौन कंसाइनी है।
एक्स कंसाइनर है और वाई कंसाइनर, अभी तो मैंने समझा है एक्स कंसाइनर है और वाई कौन है, कंसाइनी है। अब किसका बुक्स ऑफ मतलब जर्नल एंट्री किसके बुक्स में करना है हम लोगों को, इसका मतलब कंसाइनर मतलब किसके बुक्स में करना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर मतलब एक्स के बुक्स में, ठीक है। अब देखो एक्स ने क्या किया है, एक्स ने वाई को 50,000 का गुड सेंड किया है और 1,000 का पैकेजिंग चार्जेस का खर्चा किया है। तो इसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, लॉजिक लगाओ, कंसाइनमेंट अकाउंट वही मेंटेन करेगा ना जिसका बिजनेस होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, ठीक है, मतलब सेल करने का एक स्पेशल टाइप है। सेल कैश में होता है, क्रेडिट में होता है। अब ये कंसाइनमेंट सेल क्या है, हम खुद नहीं सेल कर रहे, मेरा सामान कोई और सेल कर दे रहा है, उसके बदले वो कमीशन ले रहा है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है कंसाइनमेंट। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, लेकिन ये बताओ बिजनेस का प्रॉफिट लॉस वो किसको बिलोंग करेगा, एक्स को या फिर वाई को, बिजनेस किसका है, सोच के बताओ बिजनेस किसका है, एक्स का है या वाई का है। बताओ बिजनेस किसका है, हेलो नहीं सुनाई दिया, बताओ मैम। एक्स का, एक्स का है बिजनेस, एक्स का है ना, क्योंकि अगर हम मान लो हम ये जो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो बोर्ड पे लिख रहे हैं ये एक्सपी पेन बोर्ड है, ठीक है, सपोज हम इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और तुम लोग अपने अपने घर चले गए हो कोविड के कारण, हम बोल रहे हैं तुम लोग यहाँ तो हम सेल कर रहे हैं, तुम लोग वहां भी सेल करो, ठीक है। अब प्रगति काजल इन लोग को बोल रहे हैं तुम लोग अपने बेगूसराय में, और विश्वजीत को बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर में, इस तरह से तुम लोग सेल करो, तो मेरा प्रोडक्ट तुम लोग सेल करो, लेकिन हम हमको क्या चाहिए, हमको मेरा पूरा सेल प्राइस मुझे वापस कर दो, हम सिर्फ कमीशन दे देंगे, तुम लोग जितना कमीशन मांगोगे। तो बिजनेस किसका हुआ, मेरा या तुम लोगों का, मेरा बिजनेस हुआ, और इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किसको बिलोंग करेगा, मुझे, तुम लोग को इससे कोई लेना देना है नहीं, तुम लोग को सिर्फ कमीशन चाहिए, हम वो कमीशन दे देंगे, और बदले में मेरा प्रोडक्ट लार्जली सेल होगा, सिर्फ कोलकाता में नहीं बाहर भी सेल हो रहा है, ठीक है, वही कंसेप्ट होता है कंसाइनमेंट का। तो ये देखो एक्स के बुक्स में हम लोग को एंट्री करना है और एक्स ने 50,000 का गुड्स भेज दिया है, तो बताओ कंसाइनमेंट अकाउंट वही मेंटेन करेगा जो कंसाइनर है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन करने से हम लोग को क्या मिलता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, मतलब ये कंसाइनमेंट के थ्रू से सामान बेच के, मतलब ये एजेंट के थ्रू से सामान बेच के मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानने के लिए मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, एक्स, क्योंकि बिजनेस किसका है, एक्स का। प्रॉफिट लॉस किसको होने वाला है, एक्स को, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस एक्स को ही बिलोंग करेगा, वाई को सिर्फ कमीशन मिलेगा, ठीक है, वो बेच पाएगा तो कमीशन मिलेगा, नहीं बेच पाएगा तो सामान लौटा देगा, ठीक है। तो फिर एक्स जैसे ही खर्चा किया तो उसने क्या एंट्री किया, देखो कंसाइनमेंट में क्या हो गया है, एक्सपेंस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना हो जाएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है 50,000 and 50,000, समझ में आया फर्स्ट वाला एंट्री। क्या हुआ बताओ, तुम लोग का आवाज आ रहा है मेरा, यस मैम आ रहा है। अच्छा, किसी मुझे तुम लोग का आवाज साफ नहीं आ रहा था, अब आया। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि 1,000 rupees का जो है, 1,000 rupees का क्या हुआ है, पैकेजिंग चार्जेस लगा है। अब सामान हम भेजेंगे, ये जो जिस पे लिख रहा है बोर्ड पे एक्सपी पेन, अब इसको ऐसे ही खुला में तो नहीं भेज देंगे ना, इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, अच्छा से पैकिंग होना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। वैसे भी कोई भी चीज तो पैकेजिंग के थ्रू ही भेजा जाता है, ठीक है, विदाउट पैकेजिंग तो कुछ नहीं होता, कुछ भी ना हो तो बोरा में भर के तो भेजा ही जाता है, ऐसे ही 1 by 1 थोड़ी सेंड करेंगे। तो वो जो भी हो, पैकेजिंग का जो खर्चा है, देखो पैकेजिंग का खर्चा कितना आया, 1,000, किसने किया है, एक्स ने। तो एक्स ने अगर पैकेजिंग का खर्चा किया है तो मुझे कंसाइनमेंट छोड़ो, तुम लोग ये बताओ कि कोई भी बिजनेसमैन अगर पैकेजिंग पे खर्चा करेगा तो वो एंट्री क्या करेगा, कोई बिजनेसमैन अगर पैकेजिंग पे खर्चा कर रहा है तो क्या एंट्री करेगा। सपोज किसी पैकेजिंग कंपनी को बोल दिया मेरा प्रोडक्ट इस तरह से पैकेज कर दो, मुझे सेल करना है, और उस पैकेजिंग कंपनी को जब वो खर्चा पे करेगा तो क्या एंट्री पास करवाएगा,
कंसाइनमेंट छोड़ो, ऐसे ही मुझे एक्सपेंस पेमेंट का एंट्री बताओ, ये क्या हो गया? एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड का मुझे एंट्री बताओ क्या होता है, नॉर्मल एंट्री बताओ एक्सपेंस पेड का, कंसाइनमेंट को छोड़ो नॉर्मल एंट्री बताओ, बताओ एक्सपेंस पेड का। तुम लोग जर्नली तो कर रहे हो अभी, अरे कोई तो बताओ, एक्सपेंस पेमेंट का एंट्री नहीं पता तुम लोग को, बताओ। पैकेजिंग एक्सपेंस पेड बताओ, अच्छा सैलरी पेड बता दो, ये तो बता सकते हो, सैलरी पेमेंट का एंट्री तो बताओ। पैकेजिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी टू कैश, तो एक्सपेंस पैकेजिंग एक्सपेंस नहीं बता सकते हो, सैलरी की जगह क्या लिखोगे, पैकेजिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा ना, थाउजेंड थाउजेंड। लेकिन हम लोग अगर कंसाइनमेंट में करेंगे तो टू कैश तो होगा, टू कैश, कैश का आउटफ्लो तो हो रहा है क्योंकि एक्स ने पेमेंट किया, लेकिन मुझे कहाँ असाइन करवाना है सारा खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट में मुझे कहाँ असाइन करवाना है सारा खर्चा, कंसाइनमेंट। तो ये अलग से नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे कंसाइनमेंट, इसे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो यही दिखेगा तुम लोगों को, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरह से करोगे तो आराम से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो कंसाइनमेंट टू वाई, वाई लिख दिया है, मतलब कंसाइनमेंट टू वाई, ये वाला लैंग्वेज तुम लोग यूज कर सकते हो, या फिर ओनली कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, थाउजेंड थाउजेंड, ये हो गया सेकेंड एंट्री, ठीक है, ये हो गया। हम लोग ব্যাংকের এখানে ক্যাশ লিখলে কি হবে, এখানে তো ব্যাংকের কোনো কিছু উল্লেখ তো নেই মনে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ লেখা যায়, ব্যাংকের জায়গায় ক্যাশ লেখা যায়, কোনো প্রবলেম নেই, যদি একমাত্র চেক মেনশন করে দেয় তখনই ওটা ব্যাংক করতে হবে, নাহলে ক্যাশ লেখা যায়, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা নেক্সট এন্ট্রি দেখো, নেক্সট কি আছে, নেক্সট বতায়া হ্যায় কি অন 3rd July 2016 ওয়াই রিসিভড দ্য গুডস এন্ড সেন্ট হিজ অ্যাকসেপ্টেন্স টু এক্স ফর 30,000 পেয়েবল এট 3 মান্থস। ওয়াই নে वाई को गुड्स मिल गया, ठीक है, मतलब जो एक्स ने सेंड किया था, और वाई ने अपना एक्सेप्टेंस, ये मैंने लास्ट दिन बताया था कि 50,000 का गुड्स एक्स वाई को भेज दिया, लेकिन वाई अगर वो लेके भाग जाए, भरोसा क्या है, दूसरे जगह पे है या फिर सेम जगह पे होने से भी बदमाश लोगों का क्या, अगर ऐसा लेके पैसा भाग जाए तो क्या कर सकते हैं। तो फिर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसाइनर कंसाइनी से मांग लेता है कि हम तो तुम्हें 50,000 का सामान दे रहे, इसके बदले तुम मुझे 30,000 का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो। अब वो डिपॉजिट जो है वो हम लोग किसी भी तरह से पे कर सकते हैं, थ्रू मतलब बैंक ड्राफ्ट पे कर सकते हैं, थ्रू चेक पे कर सकते हैं, थ्रू बिल्स रिसीवेबल। तो फिर कंसाइनी यहाँ पर क्या हुआ है, थ्रू बिल्स रिसीवेबल, मतलब वाई ने बोला है कि एक्स को कि मेरे ऊपर बिल्स ड्रॉ कर दो। वाई जो है यहाँ पर, ये देखो वाई जो है, वाई ने क्या बोला है, वाई कौन है, कंसाइनी, ये कंसाइनी बोल रहा है कि ठीक है आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, हम आपका सामान लेके अगर भाग जाए तो आप एक काम करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे मेरे ऊपर एक बिल्स ड्रॉ कर दो, मेरे ऊपर बिल्स ड्रॉ कर दो। और बिल्स ड्रॉ कर कितने का हुआ है, 30,000 का, ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट कर रहा है बिल्स का। जो जब बिल्स पढ़ोगे तो बिल्स का फर्स्ट रूल यही होता है कि बिल्स रिसीवेबल तभी वैलिड होगा जिस पे ड्रॉ किया जाएगा, वो जब उसे साइन करके एक्सेप्ट करेगा। जो बिल्स ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्रॉयर, ठीक है, और जो बिल्स रिसीव करता है उसे बोलते हैं ड्रॉई, उसे बोलते हैं ड्रॉई। और बिल्स हमेशा उसी के पास रहता है जो ड्रॉ करता है, बिल्स रिसीवेबल, और इसके पास हो जाता है बिल्स पेबल। क्योंकि बताओ ये कागज जो बना हुआ है बिल्स रिसीवेबल का, इसका वैल्यू तभी होगा ना अगर वो एक्स के पास रहेगा, अगर वो वाई के पास रहेगा तो क्या वैल्यू है, वाई अगर वो कागज को लेके भाग गया, फाड़ दिया, फेंक दिया, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मेन जो पेपर होता है वो मतलब बिल्स रिसीवेबल जो ड्रॉ करते हैं उसी के पास रहता है, क्योंकि उसी को उसका मोल पता है। वाई का क्या है, वाई को अगर पैसा देना नहीं होगा तो वैसे भी बिल्स रिसीवेबल को फाड़ फूड के फेंक देगा। तो इसीलिए एक्स जो है, एक्स इसके पास बिल्स रिसीवेबल रहेगा, और वाई को क्या करना पड़ेगा, वाई को जस्ट वो बिल्स रिसीवेबल पे अपना एक साइन करना पड़ेगा कि हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम 30,000 आफ्टर 3 मंथ्स आपको पे कर देंगे, ये एक लिखा हुआ रहेगा, और उस पर वाई साइन करेगा, और साइन करने के बाद वो साइन कॉपी एक्स के पास आ जाएगा, ठीक है, साइन करने के बाद एक्स के पास वो कॉपी आ जाएगा। तो ये बिल्स रिसीवेबल का पार्ट है, मैंने थोड़ा बताया, बाकी बिल्स में हम डिटेल्स में बताएंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर एक्स को
किसने वाई ने क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ करने के लिए बोला कितने का 30,000। तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल जब बिल्स ड्रॉ होता है तो एंट्री ये हो जाता है कौन किसके बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, एक्स दैट इज कंसाइनर। तो कंसाइनर के पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल जो कि एक एसेट होता है, एसेट इसलिए क्योंकि इससे हम लोग को पैसा मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और किसके ऊपर ड्रॉ हुआ है, टू ड्रॉ होता है तो टू हो जाएगा वाई, अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000। 30,000 ये देखो कहाँ चला गया, एक मिनट। ये देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 30,000 बिल्स रिसीवेबल। ये देखो इफ द कंसाइनी सेंड्स एन एडवांस डेबिट कैश और बिल्स रिसीवेबल जो भी कुछ होगा यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर एक हिंट जैसा दे दिया है, लेकिन हम लोग को पता है कि बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 30,000। अब ये बिल्स कितने दिन का ड्रॉ हुआ था, 3 months। अब ये बिल्स ड्रॉ हुआ था 3 months और बिल्स का एक रूल्स होता है 3 months बाद जब Y अपना जो प्रॉमिस किया है उसके हिसाब से जब 30,000 X को पे करेगा तो उसका डेट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बिल्स का ड्रॉ का डेट क्या है, बिल्स का ड्रॉ का डेट है 3rd July है, 3rd July 2016। तो 3 months बाद कौन सा डेट आएगा, प्लीज मुझे बताओ 3 months बाद कौन सा डेट आएगा। 3rd October 2016। अच्छा लेकिन यहाँ पर एक ग्रेस पीरियड ऐड होता है, ठीक है। ये देखो इस तरह से हो रहा है कैलकुलेशन, 3rd July से 3rd August 1 month, 3rd August से 3rd September नेक्स्ट 1 month, फिर 3rd September से 3rd October हो गया 1 month। एकदम करेक्ट है, 3rd October ही होगा 3 months बाद का पेमेंट डेट। लेकिन बिल्स का एक रूल्स होता है, इसमें एक्स्ट्रा 3 दिन दिया जाता है जो भी डेट आता है, इसे बोलते हैं ड्यू डेट, ठीक है, इसे बोलते हैं ड्यू डेट। फिर ड्यू डेट के साथ ग्रेस पीरियड ऐड करके आ जाता है मैच्योरिटी डेट, मतलब 3 दिन तुम्हें एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है। पहले 3 महीना पहले ही तुम्हें पता है कि तुम्हें 3 तारीख को पैसा देना है, लेकिन फिर भी तुम्हें 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, उसे बोलते हैं ग्रेस यानी छूट। ग्रेस दिया जाता है 3 दिन, तो 3 दिन ऐड कर दो, 3 अक्टूबर के साथ 3 दिन ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 अक्टूबर, ठीक है। तो एंट्री होगा 6 अक्टूबर को, एंट्री का डेट क्या होना चाहिए इसके लिए मैंने इतना कुछ बोला, दैट इज 6 अक्टूबर को हम लोग क्या करेगा, वाई वाई 30,000 पे करेगा क्योंकि उसने बताया था कि 3 months बाद पे करेगा। तो जैसे ही वाई पे करेगा हम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एक्स के बुक्स में, तो पैसा मिलेगा। बिल्स एक्स ने पहले बिल्स ड्रॉ किया था तो ऐसे लिखा था BR2Y, ठीक है, वाई से मुझे मिलेगा। जैसे वाई, वाई तो एक पर्सनल अकाउंट, जैसे क्रेडिट किया, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल लैंग्वेज से ही पता चल रहा है इस बिल से मुझे पैसा मिलेगा। और जब पैसा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल कर देंगे, एक्चुअली नेट एंट्री क्या हो गया, बैंक टू वाई। मतलब वो अगर डायरेक्टली मुझे बिल्स 3 महीना ऐसा कुछ नहीं बोल के डायरेक्टली उसी डेट पे मुझे 30,000 पे कर देता तो बैंक टू वाई हो जाता। और वाई को यहाँ क्रेडिटर इसीलिए करे क्योंकि ये जस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये लौटाना पड़ेगा, ये कोई एक्स का इनकम वगैरह तो है नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये एक ट्रांजेक्शन के लिए हो रहा है, बाद में ये 30,000 लौटाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए वाई यहाँ पर क्रेडिटर बन रहा है कि अभी हम तुमसे ले रहे हैं बिकॉज मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ले रहे हैं, लेकिन बाद में या तो हम लोग एडजस्ट करेंगे या तो लौटा देंगे। नॉर्मली कंसाइनमेंट में सारा ही एडजस्ट होता है। अब एडजस्ट का मतलब ये है कि वाई बेचेगा ना एक्स का सामान तो बेचने पे पैसा मिलेगा, कमीशन तो वो मांग ही लेगा कि मैंने इतना बेचा है उसी हिसाब से मुझे कमीशन दे दो, जो भी एग्रीमेंट होगा। लेकिन जो गुड्स बिक जाएगा उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग वैल्यू जो आएगा वो तो फिर उसे एक्स को लौटाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। ये देखो ये हो जाएगा 6 अक्टूबर को, ये देखो यहाँ पर मिलेगा, ये देखो 6 अक्टूबर को बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जब बिल्स मैच्योर हो गया आफ्टर 3 months तो ये पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है, तो तुम लोग लिखते जाओ कॉपी में, लिखने का हैबिट करो, सिर्फ देखो मत,
देखने से ऐसे लगता है कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ फिर गलत हो ही जाता है। छोटा मोटा ये सब डेट वगैरह ये सब के लिए बहुत गलती हो जाता है फिर। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताया है कि वाई ने क्या किया है, वाई ने स्पेंट किया है। वाई स्पेंट 2000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, फ्रेट एंड कार्टेज के ऊपर 2000 किसने किया है, वाई, वाई मतलब कौन, कंसाइनी, 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस, ये सबका खर्चा किया है। ऑन 31 दिसंबर 2016 ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स अलोंग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स। अकाउंट सेल्स मैंने बताया था लास्ट दिन, और जो कंसाइनर होता है वो जब गुड्स भेजता है तो प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजता है, जो एक ऐसा मतलब फॉर्मेट है, जो इनवॉइस तो नहीं है प्रॉपरली बट लाइक इनवॉइस होता है, जहां पर डिटेल्स वगैरह रहता है कि मैंने कितने का सामान, ये जो डिटेल्स है ये प्रोफोर्मा इनवॉइस में रहेगा, कि एक्स बोलेगा कि मैंने 50,000 का सामान भेजा, उस पर इतना पैकेजिंग चार्जेस लगा है, ये सब। और अकाउंट सेल्स कौन भेजेगा, कंसाइनी, हर एक पीरियोडिक टर्म में, मतलब अब वो डिसाइड कर लेगा कि उसे ईयर मतलब वीकली सेंड करना है, 15 डेज में सेंड करना है, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, अकाउंट सेल्स, पता चल रहा है नाम से ही अकाउंट बना हुआ है किस चीज का, सेल्स का, वो भेज रहा है अलोंग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स। ड्यू टू एक्स मतलब कितना एक्स को देना है उसे, मतलब पैसा जो है वो सब माइनस करने के बाद, ठीक है। शोइंग दैट 4/5 ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर 55,000। और अकाउंट सेल्स में क्या दिखाया उसने कि जितना गुड्स भेजा गया था उसका 4/5 उसने सेल कर दिया है, वो भी 55,000 में, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये वाला एंट्री कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। वाई ने कितना खर्चा किया है, 2000 ऑन फ्रेट कार्टेज एंड गोडाउन रेंट, टोटल 300 कितना हो रहा है, टोटल करो 2000, हम लोग एक एक भी कर सकते, टोटल भी कर सकते, 500 और 300 टोटल करो कितना खर्चा हुआ है, 2800। और एक देखो, वन ऑफ द कस्टमर टर्नड इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम। एक कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो अपना खर्चा नहीं पे कर सकेगा, मतलब जो भी खरीदा है उसका पैसा नहीं पे कर सकेगा, ठीक है। तो मैंने इस, ये क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट होने से क्या होता है, आज ही तुम लोग सुबह जो लोग क्लास किया है पढ़ रहे थे, इंसॉल्वेंट होने से उसे कैसा डेटर बोला जाता है बताओ, आज ही तो पढ़ रहे थे सुबह, दो कमीशन बताया था, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशल, स्पेशल का मैंने दो पार्ट किया था, एक डेल क्रेडियर और एक ओवरराइडिंग। तो हम अभी डेल क्रेडियर के बारे में बताएंगे। डेल क्रेडियर कमीशन कंसाइनी को तब दिया जाता है अगर कंसाइनी बैड डेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मतलब एग्रीड है तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन मिलेगा, या फिर इस क्वेश्चन में कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि कंसाइनी जो है वो बैड डेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है। तो ये जो बैड डेप्ट है ये किसको बिलोंग करेगा, जिसका बिजनेस उसी को बिलोंग करेगा। एक कस्टमर को बेच दिया, अब देखो सामान बेचेंगे कैश क्रेडिट दोनों में ही बेचेंगे, शायद ये ऑब्वियसली इन दोनों के अंदर एग्रीमेंट हुआ होगा, नहीं तो वाई अपने मर्जी से तो और क्रेडिट में नहीं बेचेगा। अगर एक्स उसे स्पेसिफाई कर देगा कि कोई भी क्रेडिट सेल मत करो तो वाई नहीं करेगा, वाई को तो कमीशन से मतलब है। तो इन लोगों के अंदर ऐसा ही ट्रांजैक्शन होता ही है कि आप कैश क्रेडिट दोनों में ही सेल करो, बिकॉज फैसिलिटीज नहीं देने से तो कस्टमर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो 600 जो लॉस हो गया वो किसको बिलोंग होगा, एक्स को। तो वाई क्या बोलेगा, देखो वाई बोलेगा कि मैंने तुम्हारे गुड्स के ऊपर 2000 फ्रेट का खर्चा किया, 500 गोडाउन रेंट चला गया मेरा, 300 का इंश्योरेंस चला गया, और जो बैड डेप्ट है 600, ये भी हम तुम्हें बता देते हैं तुम्हारे बिजनेस का बैड डेप्ट। मतलब वाई बोलने चाह रहा है ये जो फ्रेट है ये मैंने खर्चा किया तुम्हारे लिए, ये मेरा खर्चा नहीं है, मैंने तुम्हारे बिहाफ में किया है। तुम गुड्स भेज रहे हो, मुझे तो सिर्फ कमीशन मिलेगा, मुझे थोड़ी प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस से, मुझे कमीशन मिलेगा तो मुझे सेल से मतलब है, लेकिन तुम्हारा सामान को सेलेबल कंडीशन में करने के लिए मैंने 2500 और 300 ये खर्चा किया, और मैंने तुम्हारा सामान कैश क्रेडिट दोनों में ही बेचा, लेकिन एक क्रेडिटर था मतलब एक डेटर था जिसने क्या किया है, उसने लॉस कर दिया, बैड डेप्ट कर दिया। तो बैड डेप्ट करने के वजह से ये देखो टोटल कितना हो जाएगा फिर 3400 इंक्लूडिंग बैड डेप्ट, ये हो गया 3400। ये सब पैसा कौन मांगेगा, ये सब पैसा जो है
वाई जो है वो एक से मांगेगा, वाई बोलेगा मुझे दे दो मेरा फ्रेट का खर्चा, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये तो उधार जैसा हो गया तुम्हारे लिए, मुझे गोडाउन का खर्चा दे दो जो मैंने तुम्हारे प्रोडक्ट रखने के लिए किया था, मुझे इंश्योरेंस का खर्चा दे दो, और जो बैड डेप्ट हुआ है वो भी तुम मुझे उसका पेमेंट कर दो, ठीक है। तो ये देखो क्या एंट्री करेगा एक्स जो है वो क्या एंट्री करेगा, एक्स बोलेगा मुझे ये सब जो है ये खर्चा मेरा ही होता, मेरे पॉकेट से ही जाता ये सारा खर्चा, लेकिन अभी कौन कर दिया ये सारा खर्चा, कर दिया है वाई, तो लेकिन है तो मेरा ही खर्चा, तो हम क्या लिखें, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, मेरा खर्चा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन मेरे पॉकेट से अगर चला जाता तो टू बैंक या कैश लिख देते, लेकिन मेरे पॉकेट से अभी गया नहीं है, किसी और के पॉकेट से गया है, मुझे उसको देना है, ठीक है, मुझे उसको देना है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, टू कंसाइनी, मतलब यहाँ पर नाम लिख देते हैं, नाम तो स्पेसिफाई है, टू क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, टू यहाँ पर लिखेंगे वाई, दैट इज 3400, ये वाला हो गया टोटल। अब अलग अलग लिखना का कोई वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे नाम तो मेंशन करना है नहीं, सारा खर्चा को कंसाइनमेंट में ही असाइन करवाना है, तो फिर कंसाइनमेंट टू वाई 2000, फिर कंसाइनमेंट टू वाई 500, इस तरह से लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है। अब ये देखो इन लोगों ने क्या किया है, अच्छा इन लोगों ने सेल पहले किया है, अच्छा सेल पहले डेट पे था 31 दिसंबर, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसके बाद भी लिख सकते हैं, सेम डेट पे ही था, ठीक है 31 दिसंबर पे, तो ये देखो 3400, ये देखो फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी एज वेल एज बैड डेट सफर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट कंसाइनी। अब ये बैड डेट को इसलिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं क्योंकि उसे फिर सेल के ऊपर कमीशन नहीं मिलेगा ना, इसीलिए बैड डेट को हम लोग क्या करेंगे यहीं पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखो बैड डेप्ट को यहीं पर ऐड करना पड़ेगा, तो बैड डेप्ट को हम लोगों ने ऐड कर दिया क्योंकि सेल तो हो चुका है, सेल रिकॉर्ड हो चुका है, वो अपना कमीशन लेगा, लेकिन ये कस्टमर नहीं दे पाया, इसका फॉल्ट तो वाई का नहीं है, इसका फॉल्ट एक्स का भी नहीं, ये तो कस्टमर का फॉल्ट है, लेकिन अब ये लॉस बियर कौन करेगा, अगर डेल क्रेडियर कमीशन मिल जाता तो वाई तो यहाँ पर ये इंक्लूडेड नहीं होता, इसीलिए 3400 कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। और उसके बाद देखो क्या हुआ है, सेल हुआ है, सेल वाला एंट्री हम लोग पास करवा देंगे। यहाँ पर देखो कितना सेल हुआ है, यहाँ पर हुआ है 4/5 गुड्स सेल हुआ है 55,000 का। अब गुड्स अगर सेल हो गया है, अब कंसाइनी मतलब एक्स अगर खुद सेल करवाता तो क्या एंट्री करता, अगर सेल करने का एंट्री क्या होता है, कैश में होता है तो कैश टू सेल्स, और क्रेडिट में होता है तो डेटर टू सेल। तो यहाँ पर ना तो कैश सेल है ना तो क्रेडिट सेल है, यहाँ पर कैसा सेल है, कंसाइनमेंट सेल है, और ये जो सेल हुआ है ये पैसा किसके पास पड़ा हुआ है, वाई के पास, तो डेटर में, डेटर हम डेटर को नहीं पहचानते, कैश सेल तो कर ही नहीं सकते दूसरे जगह पे, और डेटर को मुझे नहीं पता तो हम कैसे डेटर का नाम रिकॉर्ड करें, मतलब एक्स कैसे डेटर का नाम रिकॉर्ड करे, एक्स तो वाई को पहचानता है तो वो वाई से ले लेगा सेल का पैसा, वाई अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर देखो टू सेल्स नहीं लिख सकते, टू क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में ही मुझे सारा मतलब इनकम एक्सपेंस गेन लॉस सारा असाइन करवाना है, तो वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट कितना हो जाएगा 50,000 and 50,000, ये देखो ऐसे ही लिखा हुआ था। तो 50 नहीं था शायद, 55,000 था, एक मिनट देख लेते हैं, 55,000 तो मैंने डेटा रॉन्ग लिया है, 55,000 हो जाएगा। तो ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, बस 55,000 लिख लो, मैंने गलती से 50,000 लिख दिया है, मैंने देखा नहीं, इसे 55,000 कर लो, ये हो गया 55,000। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हुआ है,
नेक्स्ट यहाँ पर है कि अकाउंट से फोर फिफ्थ गुड्स यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया. वाई इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%. तो मुझे कमीशन बताओ कैलकुलेट करके कितना हो रहा है. कमीशन बोल दिया है कितना होगा. कमीशन कुछ नहीं बोल लेगा तो टोटल सेल पे, तो टोटल सेल तो दिख रहा है तुम लोग को, बताओ कितना होगा कमीशन. ₹5,500. तो एंट्री क्या होगा, कमीशन एक्स वाई को पे करेगा. तो फिर देखो अगर डायरेक्ट पे करता इसके बिजनेस के थ्रू से डायरेक्ट हो जाता तो ये लिख देता. ये देखो कमीशन पेमेंट का एंट्री नॉर्मली क्या होना चाहिए, कमीशन टू बैंक या कैश होना चाहिए. ये तो डायरेक्ट एंट्री होना चाहिए कमीशन पेमेंट का. लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ अलग से नहीं लिखेंगे एक्सपेंस या फिर गेन को, सारा खर्चा को क्या करेंगे कंसाइनमेंट में डेबिट और जो भी इनकम होगा कंसाइनमेंट में क्रेडिट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा इसके बदले डेबिट, ठीक है. 5500 ये लगा लो 10% इस पे हो गया. और पे तो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, ड्यू कर रहे हैं. किसको देना पड़ेगा, वाई को. तो 2Y5500 दिए हो जाएगा वाई को. हम लोगों ने पेमेंट ड्यू कर दिया कि मुझे वाई को इतना देना. अब ड्यू इसलिए होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बैलेंस करते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है एट द एंड ऑफ द जो ट्रांजैक्शन है, मतलब एक्स को वाई से मिल रहा है पैसा या फिर वाई को एक्स से मिल रहा है. अब एक सिंपल सा हिसाब दिखाते हैं, देखो किसको किससे पैसा मिलेगा. हम जस्ट ऐसे ही दिखा देते हैं. ये देखो यहाँ पर मैंने एक एक्स कॉलम किया यहाँ पर और यहाँ पर लिखा मैंने वाई. अब हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो हम लोग को चेक करना है कि हम लोग को वाई को कितना देना है और या फिर एक्स को कितना मिलेगा, ठीक है. तो सबसे पहले देखो बिल्स रिसीवेबल टू वाई, वाई को हम लोगों से कितना मिला है, एक्स को कितना मिला है, वाई से 30,000 मिला है बिल्स रिसीवेबल का, ठीक है. वो एंट्री देखो तुम लोग कॉपी में अगर लिख रहे हो तो लिखना तो चाहिए बिल्स रिसीवेबल टू वाई, ठीक है. वाई को ये पे करना पड़ेगा. फिर बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, ये तो जो है बिल्स का एंट्री है कि एक्स ने अपना बिल जो है वो इन कैश करवा लिया. उसके बाद जब सेल हुआ तो वाई के पास कितना पैसा आ गया, जब सेल हुआ तो वाई के पास है 55,000, किसका, एक्स का, ठीक है. और वाई y को क्या क्या मिलेगा x से, देखो y को देना, x को देना पड़ेगा 2000 y को, ठीक है. फ्रेट वाला खर्चा, कैरेज का कितना देना पड़ेगा 500, गोडाउन रेंट का कितना देना पड़ेगा 300, अच्छा, और बैड डेब्ट का कितना देना पड़ेगा 600, ठीक है. ये सारा पेमेंट करना पड़ेगा, ये सारा पेमेंट करना पड़ेगा किसको, x को. y को पेमेंट करना पड़ेगा. और ये वाला जो है 55,000 सेल वैल्यू जो है ये y के पास पड़ा हुआ है. और अभी y का कमीशन, इसके साथ कमीशन भी जोड़ लेते हैं 5500. तो तुम लोग पहले ये टोटल करो, ये वाला पोर्शन मुझे टोटल करके बताओ कितना हो रहा है, मतलब x को कितना पेमेंट करना पड़ेगा y को. 2000 का ये देखो, 2000 का क्या करना पड़ेगा, फ्रेट, ठीक है. कार्टेज का कितना 500, हम लोग नॉर्मल बिजनेस का टोटल कर रहे हैं, ठीक है. डेबिट क्रेडिट सब छोड़ो, यहाँ पर एक्स ये कैलकुलेट कर रहा है मुझे वाई को देना पड़ेगा 2500 300 600 5500. सारा अलग अलग एक्सपेंस है, कोई बैड डेब्ट है कोई कमीशन है, सारा टोटल करके मुझे बताओ कितना हो रहा है. मैम 8900. सही किए हो तो 8900, ठीक है. एक्स को पे करना पड़ेगा. और यहाँ पर देखो वाई से एक्स को कितना मिलेगा 55,000, लेकिन वाई 55,000 नहीं देगा. वाई बोलेगा मैंने तो पहले ही आपको 30,000 का पेमेंट करके रखा है. तो एक्स को कितना मिलेगा नेट करके, ये दोनों का नेट करके कितना मिलेगा बताओ, 25,000. इसका मतलब ये है, देखो ना y कौन है, y जो है y के पास 55,000 सेल वैल्यू पड़ा हुआ है. x बोलेगा मुझे मेरा सेल करके तुम्हें जितना पैसा मिला है मुझे दे दो. तो y तुरंत बोलेगा ना कि मैंने तो पहले ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 दे के रखा है, तो आप वहां से काट लो. तो ये 55,000 से क्या करेगा, 30,000 काट के बाकी भेजेगा, बाकी कितना हो जाएगा 25,000. लेकिन और 8,900 भी तो y लेगा, तो माइनस करो 8,900 और बताओ कितना होता है. 25,000 से 8,900 माइनस करो कितना होता है. मैम 16,100.
16,100, ये देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, नहीं तो देखो इस तरह से भी बता सकते हैं। वाई के पास एक्स का कितना है, 55,000 सेल कर दिया, पहले सेल का हिसाब लगा लेते हैं। ये देखो वाई ने 55,000 का सेल करवा दिया, लेकिन वाई 55,000 पैसा जो रिम्बर्स करना चाहिए था एक्स को नहीं करेगा, बिकॉज 30,000 उसने पहले से ही सिक्योरिटी डिपोजिट करके रखा है। यानी एक्स को ये सोचना पड़ेगा कि वाई के पास मेरा 55,000 नहीं है, वाई के पास मेरा 25,000 पड़ा हुआ है, ऊपर से मुझे वाई को ये पे करना पड़ेगा, ये जो टोटल है ये पे करना पड़ेगा। इसका टोटल कितना आया था, 8,900। तो एक्चुअली वाई क्या करेगा, वाई के पास 55,000 है, वाई अपना 30,000 का हिसाब लगा लेगा कि मैंने पहले से दे के रखा है, तो हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक्स का 25,000 है और एक्स से मुझे और कितना मिलेगा, 8,900, बिकॉज मैंने उसके बिहाफ में फ्रेट वगैरह का मतलब पेमेंट किया था। तो फिर हम सिर्फ एक्स को कितना भेजेंगे, 16,100। इसका मतलब वाई को एक्स को सेंड करना पड़ेगा 16,100। तो एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स बोलेगा मुझे 16,100 मिलेगा, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा क्योंकि ये पैसा ये रिम्बर्स करेगा थ्रू कैश बैंक जो भी हो। और टू क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, y को कैंसिल कर देगा, y के साथ सारा सेटलमेंट बन गया, सारा सेटलमेंट बन गया। यही वाला चीज तुम लोग को लेजर में मिलेगा, y के लेजर में, जब तुम लोग y का लेजर बनाओगे तो इस तरह से होगा। देखो y इस तरह से लेजर बनेगा कि 55,000, y का लेजर कौन बनाएगा, x, x जब y का लेजर बनाएगा तो x ये बोलेगा कि y अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट, y से मुझे कितना मिलेगा। ये एंट्री तुम लोग कर चुके हो, अगर तुम लोग 55,000 का एंट्री चेक करोगे कॉपी में, अब अगर नहीं लिखे हो तो कंफ्यूज्ड होगे, अगर लिखे हो तो देखो, अगर क्या एंट्री करवाया मैंने, वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो ये पोस्ट हो गया टू कंसाइनमेंट, ठीक है। और बाई बोल के देखो, बाई कंसाइनमेंट बोल के सारा खर्चा आ जाएगा, बाई कंसाइनमेंट बोल के ये वाला आ जाएगा, ये टोटल जो हुआ था 2,500, 3,000, ये 3,400 हुआ था, और उसके बाद ये जो कमीशन है वो जोड़ दिया मैंने 5,500, तो ये 8,900 हो गया। अब बैलेंस करो, इधर 8,900, इधर 55,000, और इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल वाला एंट्री होगा, जब बिल्स रिसीवेबल टू वाई हुआ था तो बाई बी आर हो जाएगा, बाई बी आर कितना हो जाएगा, 30,000, तो इधर 30,000 और 8,900 कितना होता है, 38,900 माइनस कर दो 55,000, तो 16,100 इधर ही बैलेंस आएगा। ये जब तुम लोग लेजर यहाँ पर बना हुआ होगा, हम लेजर दिखा देते हैं, लेजर जैसे है वैसे ही पोस्ट हो जाएगा, ये देखो जर्नल जैसे अभी किए उसी हिसाब से लेजर भी पोस्ट हो जाएगा, एक बार देख ही लो। अगर कॉपी में नहीं लिखे हो तो समझने में दिक्कत जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है, थ्रू कंसाइनमेंट सब होता है। ये देखो वाई अकाउंट, देखो टू कंसाइनमेंट 55,000, ये देखो टू कंसाइनमेंट 55,000 जैसे मैंने बोला, ठीक है। बाई बिल्स रिसीवेबल 30,000, बाई कंसाइनमेंट टू वाई, ये देखो एक्सपेंसेस बैड डेट सारा मिला के 3,400, कमीशन तो टोटल हो गया, ये देखो 55,000 इधर और इधर, लेजर बैलेंस करोगे तो भी 16,100 आ जाएगा। लेकिन मैंने एकदम कॉमन सेंस से बताया कि अगर किसी से पैसा कितना मिल रहा है, किसी को कितना देना है, बस जस्ट तुम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करो कि कितना मिलेगा और कितना देना है, तो फिर बिना लेजर बिना जर्नल एंट्री के भी हो सकता है कि आंसर कितना आएगा, कि ड्यू कितना है। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद और क्या एंट्री करना है हम लोग को, और यहाँ पर तो कुछ तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा शायद एंट्री, लेकिन लास्ट दो एंट्री होगा हम लोग का। एक तो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है, क्योंकि कंसाइनी जब कंसाइनमेंट मतलब ये कंसाइनमेंट में क्या होगा, एक्स यानी कंसाइनर जब अपना फाइनल अकाउंट क्लोज करेगा तो उसे क्या चाहिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक का मैंने एक रूल्स भी बताया था लास्ट दिन तुम लोग को किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो उसी तरह से हम लोग कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी। तो क्या है, देखो कितना सामान भेजा गया है, 50,000 का सामान भेजा गया है, गुड्स सेंड हम शॉर्टकट लिखते हैं, गुड्स सेंड 50,000, ठीक है, बाय एक्स, और एक्स ने जो भी खर्चा किया है, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है, ऑल एक्सपेंसेस बाय एक्स, कंसाइनर का सारा एक्सपेंस होगा। अब इसके साथ तुम लोग जर्नल लेजर वाला प्रॉब्लम को मत मतलब इसे कंफ्यूज्ड हो जाओ, यहाँ पर
सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के टाइम पे हम लोग एक्सपेंस का दो पार्ट चेक करते हैं, लेकिन जब कंसाइनर का होता है तो उसमें सारा खर्चा लेते हैं। तो ये देखो 1000 इसमें हो जाएगा 51000, इसमें कुछ नहीं चेक करना था, ये मैंने बताया था। उसके बाद सारा का सारा सामान पहुंच गया, लेकिन इस कंसाइनी के अलावा, कंसाइनर के अलावा कंसाइनी ने भी किया है, तो वाई कौन सा खर्चा ऐड होगा? नॉन रिकरिंग। वाई का कौन सा खर्चा ऐड होगा? नॉन रिकरिंग। लेकिन ये नहीं है कि तुम लोग बिजनेस में, मतलब जब जर्नल या लेजर में करोगे तो सिर्फ नॉन रिकरिंग करोगे, क्योंकि बिजनेस का खर्चा तो सारा ही है, लेकिन मैंने बताया था ना नॉन रिकरिंग खर्चा ऐड कर दोगे, कस्टमर से निकालोगे वो पैसा, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा गुड्स का वैल्यू। इसीलिए जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करोगे, इसे लिख लो, जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करोगे तब सिर्फ वाई का नॉन रिकरिंग लेना है, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग, बाकी अदर किसी भी केस में ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वाई जो भी खर्चा करेगा चाहे वो रिकरिंग हो चाहे वो नॉन रिकरिंग हो, सारा खर्चा ही एक्स को से रिइंबर्स करना पड़ेगा। लेकिन जब वाई एक्स अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा है, तब वो सिर्फ और सिर्फ रिकरिंग खर्चे से ही स्टॉक का वैल्यू को बढ़ाएगा, नॉन रिकरिंग खर्चे से ही स्टॉक का वैल्यू बढ़ाएगा, रिकरिंग खर्चे से नहीं बढ़ाएगा। और नॉन रिकरिंग कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने बोला था जो खर्चा एक ही बार पेमेंट किया जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर ऐसा खर्चा जो अप टू गोडाउन है, जो अप टू गोडाउन है। तो यहाँ पर देखो वाई का क्या क्या खर्चा है, फ्रेट है, फ्रेट एंड कार्टेज है, गोडाउन रेंट है और इंश्योरेंस है। तो इसमें बताओ नॉन रिकरिंग कौन सा है, ये तीनों खर्चा में से नॉन रिकरिंग कौन सा है? अभी मैंने बताया अप टू गोडाउन 2000 ओनली, फ्रेट वाला खर्चा जो है वही नॉन रिकरिंग है, क्योंकि नॉन रिकरिंग फ्रेट एंड कार्टेज 500। गोडाउन रेंट मतलब क्या होता है, रेंट जो होता है वो तो बार बार ऑकर होता है ना, तो गोडाउन रेंट कभी नहीं आएगा। इंश्योरेंस, ये भी प्रीमियम भरना पड़ता है, हर मंथली हो या फिर ईयरली हो, कैसा भी हो, तो ये भी रिकरिंग होता है। और ये ऐसे भी आफ्टर गोडाउन खर्चा है, गोडाउन रेंट आफ्टर गोडाउन, और इंश्योरेंस भी आफ्टर गोडाउन, बिफोर गोडाउन नहीं है। तो फिर यहाँ पर गुड्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 53,000 हो गया। ये टोटल हो गया गुड्स का वैल्यू, जब तक कंसाइनी के पास यानी वाई के पास जब तक पहुंचा, सेलेबल कंडीशन में होने तक इसका वैल्यू 50 से बढ़ के 53,000 हो गया, जिसमें से कितना गुड्स सेल हुआ है, 4/5। तो बचा कितना ये बताओ, 4/5 अगर सेल हो गया तो बचा कितना, 1-4/5 करोगे, 4/5 जब दिया है तो टोटल को 1 मानेंगे, जैसे परसेंटेज होने से टोटल को 100 मानते हैं, तो कितना बचा है 1/5। तो प्लीज 53,000 जो टोटल है उसका 1/5 कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 10,600। हाँ, 53,000 इनटू 1/5 करोगे तो 10,600, यानी जो स्टॉक नहीं बिका 4/5 बिक गया तो बचा कितना 1/5। तो ये तो टोटल है, तो इसका 1/5 कर लिया हम लोगों ने, तो 10,600 बन गया क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हम लोग करते हैं इन कॉस्ट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग करते हो, इसके जगह तुम लोग क्या करोगे, इन्वेंट्री लिखोगे। अभी स्टॉक की जगह इन्वेंट्रीज लिखा जाता है, इन्वेंट्रीज विथ वाई लिख सकते हो या फिर विथ कंसाइनी लिख सकते हो, टू कंसाइनमेंट लिखना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज विथ वाई टू कंसाइनमेंट। ये देखो इन्वेंट्रीज टू वाई टू कंसाइनमेंट, ये रहा 16,100 जो बताया था, और ये देखो 10,600। ये देखो इस तरह से किया है इन लोगों ने, अलग तरह से किया है, 1/5 1/5 पहले से ही कर लिया, मैंने उस तरह से नहीं किया, किसी भी एक तरह से सीखो तो इजी रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज्ड हो जाओगे। टोटल गुड्स का मैंने 1/5 कर दिया, जो भी खर्चा ऐड करना था वो। अब तुम लोग को ये देखना है कि कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो उसका कैसे चेक करोगे, उसका भी हम सिंपल सा एक वे बता देते हैं। देखो बिना लेजर जर्नल के ही तुम लोग मतलब चेक कर सकते हो, ठीक है, जर्नल यूज करेंगे, बिना लेजर के ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कैसे चेक करेंगे बिना लेजर के, ये देखो, फिर से हम लोग दो कॉलम करेंगे, तुम लोग कॉपी में चेक करो, फिर से हम लोग डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। देखो सबसे पहले कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है, डेबिट में कितना जाएगा 50,000, ठीक है। अब तुम लोग अपना एंट्री चेक करते जाओ कॉपी में,
सबसे पहले कंसाइनमेंट डेबिट हुआ 50,000, फिर कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है 1,000, फिर मैंने 1,000 लिख दिया डेबिट में, फिर बिल्स रिसीवेबल टू वाई हुआ था तो ये कंसाइनमेंट नहीं है, बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद है वाई टू कंसाइनमेंट, यहाँ पर टू कंसाइनमेंट यानी कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है कंसाइनमेंट ही तो हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद कंसाइनमेंट टू वाई टू वाई वाई 3,400, तो फिर यहाँ पर 3,400, अच्छा उसके बाद फिर कंसाइनमेंट टू वाई वाई 5,500, ये डेबिट मतलब सारा एक्सपेंस या फिर लॉस, और बैंक टू वाई 16,100 लास्ट में वाई से हम लोगों को मिल गया। और 10,600 लास्ट में फिर से हो गया है हम लोगों का क्रेडिट, अच्छा सॉरी ये क्रेडिट साइड में होगा 10,600 का क्रेडिट, ये देखो सब पता चल रहा है तुम लोग को, पहले 50,000 का खर्चा करके सामान भेजे उसपे 1,000 रुपीज का खर्चा करवाए, 3,400 का खर्चा जो है मेरे ही बिजनेस का है जो वाई ने किया है तो मुझे पे करना है, और 5,500 का कमीशन पे करना है, तो टोटल ये एक्सपेंस हो चुका है बिजनेस में। क्रेडिट क्या हुआ है 55,000 का गुड्स बिक गया है, 16,100 का हम लोगों ने नेट कर लिया कि वाई से हम लोगों को कितना मिलेगा, और 10,600 का उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो दोनों साइड टोटल करके मुझे बताओ कितना कितना हो रहा है। अच्छा 16,000 तो नहीं हो, 16,100 का एंट्री तो बैंक टू वाई है, ये तो नहीं आएगा, कंसाइनमेंट का एंट्री सारा आएगा, तो ये बताओ कितना हो रहा है टोटल। डीआर में 59,900 और ये यस सर, अब दोनों को माइनस करो, मतलब ये डेबिट है वो क्रेडिट है, यानी बैलेंस क्रेडिट आएगा, बताओ कितना आ रहा है। 5,700 अब ये लेजर में करोगे तो तुम लोग समझ जाओगे, जर्नल का लेजर पोस्टिंग करोगे क्रेडिट बैलेंस आया है यानी प्रॉफिट हुआ है, कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ है क्योंकि ये मैंने सारा कंसाइनमेंट का डेटा लिया था, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब शॉर्टकट है, ये बहुत हेल्पफुल होता था पहले जब ये सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव था तब हम लोग इसी तरह से करते थे, ठीक है अकाउंट्स में जिन लोगों का लिखना नहीं है उन लोग को इसी तरह से ही करना चाहिए, अभी तो फाउंडेशन आ गया है इसकी वजह से हम लोग तुम लोग को प्रॉपर लिखना ही है पूरा, जिन लोग को लिखना नहीं पड़ता है वो लोग इसी तरह से करते हैं, हालांकि मैंने दोनों तरह से ही सिखा दिया। ये देखो हाँ चला गया 5,700, ये रहा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हो गया, और ये लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के लिए ये यूज हुआ है कि हम लोग कंसाइनमेंट के अपना जो भी स्टॉक था टोटल उसमें से कंसाइनमेंट के लिए कितना स्टॉक हम लोगों ने यूज किया, मतलब ये देखो ट्रेडिंग में क्या एंट्री हो जाएगा ये जर्नल के थ्रू, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस तरह से हो जाएगा 50,000, बाकी टू परचेस वगैरह जैसा रहेगा उस तरह से, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का बाय क्लोजिंग स्टॉक भी होगा बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक भी होगा। अब देखो कुछ नहीं है इसके नीचे, लास्ट में तुम लोग को लेजर करने बोला था, देखो ये था मेरा होमवर्क तुम लोगों के लिए, लेजर में डायरेक्ट पोस्ट हो गया, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू बैंक 1,000 या फिर कैश लिख सकते हो, टू वाई एक्सपेंस एंड बैड डेप्ट 3,400, टू वाई कमीशन 5,500, अब देखो बाय वाई सेल वाई 55,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,600 आ गया, 5,700 का प्रॉफिट, ये देखो कंसाइनमेंट का सारा डेटा मैंने इस तरह से दोनों साइड दिया था डेबिट एंड क्रेडिट करके तो आ गया, और ये देखो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अगर प्रिपेयर करने बोलेगा तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये जो क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो बाय कंसाइनमेंट 50,000, यहाँ जो एंट्री वाइज का क्रॉस पोस्टिंग कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट, और जब क्लोज करेंगे टू ट्रेडिंग बोल के, क्योंकि कंसाइनमेंट में जितना भी स्टॉक हम लोगों ने भेजा है पहले वो ट्रेडिंग में ही रिसीव हुआ था। अब इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक का जो एंट्री है तो ये देखो इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट कितना बच गया 10,600, उसे बाय बैलेंस शीट भी बोल के क्लोज करना है, वाई का भी मैंने दिखाया, ये देखो वाई का क्या है एक्स बना रहा है वाई का अकाउंट, इसका मतलब
क्या है, मुझे वाई से कितना मिलेगा 55,000, लेकिन मुझे वाई को क्या क्या देना पड़ेगा, उसने पहले ही बिल्स रिसीवल 30,000 का दे चुका है और 3,400, 5,500 ये सब एडजस्ट होने के बाद ये दिखा कि मुझे वाई से बाई बैंक, मतलब एंट्री हो गया बैंक टू वाई, इसका मतलब ये है कि मुझे वाई से मिलेगा 16,100। ये कौन बोल रहा है, एक्स बोल रहा है। अभी आ गया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो मैंने बता दिया था किस तरह से करना है, जो भी हो। तो ये हम लोग का होमवर्क था, तो तुम लोग को एंट्री समझ में आया, अगर एंट्री नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एंट्री तो उतना आता नहीं है, डायरेक्ट लेजर ही आता है, तो एंट्री अगर नहीं समझ में आएगा तो लेजर नहीं कर पाओगे, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा प्रैक्टिस का मैटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग खर्चा वगैरह नहीं लिख सकते हैं, हम लोग को सारा खर्चा कंसाइनमेंट में डेबिट करना है, सारा इनकम कंसाइनमेंट में क्रेडिट करना है। तो बोलो तुम लोग को समझ में आया, हेलो। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो तुम लोग प्लीज कॉपी में लिखो, बाद में मुझे फोटो लेके भेजना, अगर नहीं लिख रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है ना, तो जैसे क्लास खत्म होगा तो फोटो लेके भेजना, तो मुझे पता चलेगा कि तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ये सब इनवॉइस का दे दिया है मिडिल में, पहले हम लोग जो सीख रहे हैं उसको कंप्लीट करके फिर वो वाला करेंगे। अच्छा, ये वाला सम लोग करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, मिस राखी कंसाइंड 1,000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग 900 ईच टू मिस गीता, तो बताओ कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनी है, फटाफट बताओ। कितना गुड्स भेजा गया है, 1,000 रेडियोस कॉस्टिंग 900, तो कितने का टोटल, कितने का सामान गया है, 1,000 इंटू कितना हो जाएगा, 900, 1,000 इंटू कितना हो जाएगा, 900, अरे एक एक रेडियो अगर 900 करके है तो 1,000 रेडियो कितना हो जाएगा, 1,000 इंटू कितना हो जाएगा, 900। अच्छा, किसको भेजा है, गीता, जो उसके एजेंट के हिसाब से काम करती है, 1 जुलाई 2016। मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस, मिस राखी यानी कंसाइनर ने ये सब खर्चा किया है, फ्रेट और इंश्योरेंस, ठीक है। मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो, लेकिन मिस गीता को कितना रेडियो मिलना चाहिए था, 1,000, लेकिन मिला कितना, जब उसे उसके पास पहुंचा तो 950 रेडियो सेट्स पहुंचा, यानी कितना कम पहुंचा, 50। अच्छा, अब ये क्यों हुआ देखते हैं, एन अकाउंट सेल्स डेटेड 30th November 2016 शोड दैट 750 सेट्स वेर सोल्ड फॉर 9 लाख, और बिका कितना, 750, देखो 1,000 भेजा गया था लेकिन उसके पास पहुंचा ओनली 950, जिसमें से उसने सेल कर दिया है 750, तो अभी भी उसके पास कितना सारा बचा हुआ है, 200, ठीक है। अब ये सेल जो हुआ है ये 9 लाख में हुआ, ये सेल वैल्यू है, ठीक है, इसका कॉस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्या हो गया है, प्रॉफिट इंक्लूडेड हो गया है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एंड मिस गीता इनकर 10,500 फॉर कैरेज, और उसने क्या किया है, कैरेज का खर्चा करवाया था 10,500, किसने, मिस गीता ने यानी कंसाइनी ने, तो इसका मतलब मिस राखी कंसाइनर का दो खर्चा है और कंसाइनी ने एक ही खर्चा किया है 10,500। मिस गीता एंटाइटल टू ए कमीशन, कमीशन तो ऑलवेज होना ही चाहिए इसी क्वेश्चन में, कमीशन कितना मिलेगा उसे, 6% ऑन सेल्स एफेक्टेड बाय हर, तो बताओ तो कितना कमीशन होगा, सेल वैल्यू तो दिया हुआ है, कमीशन बताओ कितना होगा, ये तो बता के रखा है 6% ऑन सेल्स, बता तो दिया है, 54,000। सी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2,500 फॉर रिपेयर्स एंड डैमेज रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्रीज,
अब ये जो मिस गीता है इसने क्या क्या खर्चा किया है, इसने यहाँ ऊपर तो एक बता के रखा है कि कैरेज का खर्चा किया है, ठीक है, और यहाँ पर बताया कि कुछ रिपेयर वगैरह करवाने का खर्चा किया, जो इसके क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ था उसमें कुछ खराबी हो गया था, इसने सोचा कि उसे रिपेयर करवा देते, ठीक है, ताकि वो बिक जाए, ठीक है, तो इसने रिपेयर का भी खर्चा करवाया 2500। मिस राखी लॉज ए क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी विच वॉज एंटाइटल्ड एट 35,000। अब क्या है, क्लेम किया है कंपनी इसने, मिस राखी ने क्यों क्लेम किया है, ये देखो जो यहाँ पर 50 यूनिट जो उसके पास नहीं पहुंचा, इसका मतलब वो गुड्स क्या हो गया है, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया है, लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ है तभी तो इसके पास 950 रिसीव हुआ है, नहीं तो 1000 रिसीव होता है, यानी ये रास्ते में ही खराब हो गया, 1000 में से अगर रिसीव नहीं हुआ 50, इसका मतलब तो लॉस्ट इन ट्रांजिट है, दोनों का सिटी अलग अलग है, ठीक है, सिटी का नाम तो दिया नहीं है, अगर प्लेस हो सिटी हो जो भी अलग अलग है, मिस राखी अलग जगह पे है, मिस गीता अलग जगह पे, अगर मिस राखी ने 1000 रेडियो भेजा था तो उसे 1000 ही मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, 50 सेट गायब हो गया। अब ये क्या ट्रीट करे, उसके लिए यहाँ बताया है कि मिस राखी ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया है कि मुझे 35,000 का क्लेम दे दो, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि हम 35,000 का देंगे, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने 35,000 का एडमिट किया है क्लेम। अब तुम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मिस राखी एंड मिस गीता अकाउंट, यानी मिस राखी को क्या करना है, अपने बिजनेस का कंसाइनमेंट का हालत भी देखना, और मिस गीता से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा या फिर कुछ देना पड़ेगा वो चेक करना है। और यहाँ पर क्या है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट भी है, कैसे पता चला, क्योंकि जितना भेजा था उतना रिसीव नहीं हुआ और ये लॉस्ट इन ट्रांजिट ही है, और उसके ऊपर क्या है, इंश्योरेंस किया हुआ था ऑब्वियसली, इसीलिए ये देखो इंश्योरेंस लिखा हुआ ना, इंश्योरेंस किया हुआ था इसलिए क्लेम मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम तभी मिलता है अगर इंश्योरेंस किया हुआ होता है तो। अब हम लोग अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, तो तुम लोग को इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये देखो इन द बुक्स ऑफ मिस राखी कंसाइनमेंट अकाउंट, हम सिर्फ लेजर दिखाएंगे, ये लिख नहीं रहा है, नहीं तो जगह नहीं हो सकता है, मे भी हो सकता है जगह शॉर्ट हो जाए, इन द बुक्स ऑफ मिस राखी कंसाइनमेंट, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट, तो सबसे पहले बताओ क्या एंट्री होगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले गुड्स भेजना पड़ता है, तो बताओ क्या लिखें, अभी सिखाया था मैंने, गुड्स भेजने से क्या होता है, एक्सपेंस होता है, कौन बना रहा है, मैंने लिखने भी बोला तुम लोग को इन द बुक्स ऑफ मिस राखी, कंसाइनर हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट से बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, और प्रॉफिट लॉस उसी का होगा जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का ओनर है मिस राखी, तो बताओ क्या होगा, सबसे पहले गुड्स भेजेंगे तो क्या एंट्री होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और अमाउंट हो जाएगा 1000 रेडियोज है, एक एक रेडियो का 900 करके है, तो हो जाएगा 9 लाख, ठीक है। उसके बाद ही उसी लाइन में तुम लोग को मिलेगा कि मिस राखी ने खर्चा किया है, तुम लोग कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश किस चीज का, फ्रेट और इंश्योरेंस, तो बताओ फ्रेट का कितना खर्चा किया है, 7650। हाँ, और ये 3250 दोनों का टोटल लिख लेते हैं, तुम लोग चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्ट मैंने इस तरह से किया है, और मिस गीता ने बेच दिया है कितने का सामान, 9 लाख में बेच दिया है, तो पैसा किससे मिलेगा, सेल का पैसा, अगर डायरेक्ट मिल जाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन यहाँ सेल वेल तो लिख नहीं सकते, सारा कंसाइनमेंट भी असाइन करवाना है, तो कैश टू कंसाइनमेंट होता, लेकिन पैसा तो गीता के पास है क्योंकि सेल उसने किया है, तो गीता से लेंगे, उसे डेटर बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 लाख, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को 9 लाख, और तुम लोग अगर जानना चाहते हो कितना करके हो रहा है, तो तुम लोग चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो कि 750 रेडियो सेल हो गया 9 लाख में, तो एक एक रेडियो का वैल्यू कितना हुआ, सेल वैल्यू बताओ कितना हुआ, अरे डिवाइड करो, 1200, ठीक है, इसका जरूरी नहीं है, हम बता दिए, मतलब
मतलब ये देखो कॉस्ट और प्रॉफिट मतलब सेल वैल्यू में अंतर बताने के लिए देखो कॉस्ट 900 में खरीदा था और बिका कितने में 1200 में, यानी एक एक रेडियो में क्या प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो दिख जा रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब मिस गीता को कुछ पे भी तो करना पड़ेगा, टू मिस गीता, मिस गीता को वो पे करेंगे, ये तो मिस गीता से मांगेंगे, लेकिन मिस गीता भी तो हम लोगों से कुछ मांगेगी तो उसे क्रेडिटर बनाएंगे। मिस गीता से क्या मांग रहे हैं, कैरेज मांग रहे हैं, कैरेज देना पड़ेगा 10,500 उसने खर्चा किया है, और कमीशन भी तो मांगेगी वो, कमीशन कितना देना पड़ेगा, कमीशन अभी तुम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वहां दिया हुआ था कितना परसेंट करना है सेल के ऊपर, सेल जो है 9 लाख है और इसके ऊपर हम लोग को करना है 5%, 6%, तो कितना हो जाएगा 54,000, और उसने कुछ रिपेयर भी करवाया था उसका भी खर्चा वो मांगेगी, तो 2,500, तो टोटल हो जाएगा 67,000। अच्छा, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी से मिस राखी को क्लेम मिलेगा, तो बाई इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को भी क्या करेंगे, बाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसे भी डेटर बनाएंगे, इससे पैसा मिलेगा, सारा ड्यू कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है कि वो 35,000 पे कर देगी, ठीक है। किस गुड्स के ऊपर, जो पहुंचा नहीं था, जो लॉस्ट इन ट्रांजिट था। अब हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो उसके लिए एंट्री हम यहाँ पर लिख के रखते हैं, बाई स्टॉक विथ कंसाइनी लिख सकते हो, या फिर मिस गीता लिख सकते हो, या फिर क्लोजिंग स्टॉक कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना स्टॉक हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, और एक चीज भी हम लोग को देखना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस, और उसका एंट्री किस तरह से होता है हम बताएंगे। हम एक काम कर रहे हैं, हम नेक्स्ट पेज में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना तुम लोग को सिखा रहे कि किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो ये वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले यहां पर पर्टिकुलर लिखना चाहिए, पर्टिकुलर, यहाँ यूनिट अगर होगा क्वेश्चन में तो यूनिट, जैसे हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें यूनिट नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू था, और ये हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले गुड्स भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अपने हिसाब से लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू मिस गीता, या फिर कंसाइनी लिख सकते हो। तो कितना यूनिट भेजा है हम लोगों ने, 1000 और 900 करके टोटल कितना हो गया, 9 लाख। फिर ऐड करना चाहिए ऑल, ये वाला लैंग्वेज लिखने का हैबिट करो, ऑल एक्सपेंसेस बाय मिस राखी, इसने किया था 10,900, तो टोटल हो गया 910900, तो यहां पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। अच्छा, अब क्या हुआ, बीच में 50 यूनिट नहीं पहुंचा, ठीक है, क्योंकि रिसीव हुआ है 950, यानी ये लॉस्ट इन ट्रांजिट ही होगा, अगर पहुंचने के बाद का लॉस होता तो ऑब्वियसली उसके पास 1000 यूनिट ही रिसीव होता, तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। और हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि रिसीव जो हुआ है वो 950 हुआ है, तो हम लोग बैलेंस करके कैलकुलेट कर लिए 50। तो अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू किया जाता है, नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर होता है, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू करना पड़ता है। तो बताओ कितना कॉस्ट, ये तो नंबर ऑफ यूनिट है, 50 रेडियो खराब हो गया, लेकिन उसका वैल्यू तो बताओ, अमाउंट तो बताओ, 50 रेडियो का वैल्यू कितना है, जस्ट यूनिटरी मेथड करना चाहिए तुम लोग को, 1000 का वैल्यू अगर इतना है तो 50 का वैल्यू कितना होगा बताओ।
अरे ये हजार का है तो एक एक का वैल्यू क्या होगा? 45,545. अब माइनस कर दो तो पता चल जाएगा जो रेडियो बचा हुआ है उसका वैल्यू कितना है. 865355. इतना वैल्यू का सामान पहुंच गया. इसे हम लोग लिखेंगे, ये जो 950 आया, गुड्स रिसीव्ड बाय गीता. गीता के पास 950 रेडियो पहुंच गया जिसका वैल्यू हो चुका है 865355. अब ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग, ये वाला लैंग्वेज याद रखना है, ये सिर्फ यहीं पर ट्रीट होता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय गीता. बताओ नॉन रिकरिंग क्या क्या था? गीता का एक्सपेंस मुझे जितना दिख रहा है यहाँ पेज पे, कैरेज था, कमीशन था, रिपेयर्स था. तो कमीशन तो होगा ही नहीं, रिपेयर भी आफ्टर गो डाउन है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? कैरेज हो सकता है. तो 10,500 जो कि एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, और एक्सपेंस करने से कभी यूनिट नहीं बढ़ता है, इसीलिए यूनिट में मैंने कुछ नहीं किया. तो यहाँ पर टोटल करो कितना हो गया वैल्यू, 875855. और 950 रेडियो का वैल्यू सेलेबल कंडीशन में पहुंचते पहुंचते इतना हो गया है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. इसे हम लोग लिखेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. और सेल जितना हुआ है, सेल कितना हुआ है? सेल हुआ है 750 यूनिट, ये मुझे दिख रहा है, सेल हुआ है 750 यूनिट. तो कितना क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा? 950 से 750 माइनस कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का बनेगा, कितने सारे यूनिट का बनेगा? 200. तो 200 का वैल्यू निकालो, जस्ट नॉर्मली यूनिटरी मेथड करो. 950 का वैल्यू अगर इतना है तो 200 का वैल्यू कितना होगा? यूनिटरी मेथड करो. मैम 1,84,390. 1,84,391 कर दो, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, तो 91 कर दो, 90 के बदले. ठीक है, तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, और हम लोगों को लॉस्ट इन ट्रांजिट का भी वैल्यू पता चल गया. अब इसका ट्रीटमेंट, लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसके ऊपर हम लोग को कितना क्लेम मिला? इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग को 35,000 मिला. इसका मतलब समझो कि मेरा जो गुड्स ट्रांजिट में लॉस हो चुका है उसका वैल्यू है 45,545. क्योंकि मेरा इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो मुझे क्लेम मिल चुका है 35,000. तो मेरा एक्चुअली कितना लॉस हुआ? क्योंकि मैंने इंश्योरेंस करवाया था तो मुझे इसका कुछ मतलब रिकवरी हो गया, तो रिकवरी पूरा तो नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ वही मेरा लॉस है, और जो हो गया वो मेरा बेनिफिट है, मैंने इंश्योरेंस करवाया. तो मुझे बताओ कितने का रिकवरी नहीं हुआ? 35,000 का हो गया. 45,545 में अगर 35,000 का हो गया तो बाकी कितने का रिकवरी नहीं हुआ? माइनस करो. माइनस करो. टोटल स्टॉक का वैल्यू कितना है? टोटल स्टॉक का वैल्यू है 50 यूनिट का वैल्यू कितना है? 45,545. और उसमें से क्लेम कितना मिला है? 35,000. तो माइनस कर दो 45,545 माइनस. मैम 10,545 का लॉस हुआ ना. मेरा गुड्स 45,545 का था, लेकिन मेरा इंश्योर्ड गुड्स था, मैंने इंश्योरेंस करवा के रखा था जिसके लिए मुझे 35,000 मिल गया. अच्छा, तो अब
यहाँ पर लिखते हैं इंश्योरेंस कंपनी. अब स्टॉक कितना हुआ 1,84,391 और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से 35,000 मिलेगा और जो एबनॉर्मल लॉस है वो पीएल पे चार्ज होता है. तो पीएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट होता है तो पीएल और इसे लिख दिया मैंने एबनॉर्मल लॉस. ये है एबनॉर्मल लॉस जिसका वैल्यू हो जाएगा 10,545. ये टोटल करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा. एक्चुअली कैसे किया मैंने 45,545 माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 35,000. अब इसका ट्रीटमेंट यहाँ क्यों हो रहा है देखो ये स्टॉक अगर कुछ लॉस्ट वॉस्ट नहीं होता और कंसाइनी के पास पहुंच जाता तो वो या तो बिक जाता या तो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाता तो हम लोग को वैल्यू करने का जरूरत नहीं होता. लेकिन हम लोगों ने तो खरीदा तो 1000 से नहीं है ना लेकिन 1000 में से 750 बिक गया. और यहाँ पर ये देखो ये जो है ये 200 यूनिट का कैलकुलेशन है ये जो है 750 यूनिट का तो 950 और ये जो है ये 50 यूनिट्स वाला कैलकुलेशन है ये जो है ये 50 यूनिट्स वाला है तभी तो टैली होगा कि 1000 जो गुड्स है उसका क्या क्या हालत हुआ है. 1000 में से 750 सेल हो गया है 1000 में से 200 क्लोजिंग स्टॉक हो गया है और 1000 में से जो 50 यूनिट्स है वो लॉस्ट हो गया है. लेकिन लॉस्ट में भी कुछ रिकवरी है 35,000. इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाएंगे एंट्री होता है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट दैट इज 35,000. लॉस जो हुआ है लॉस डेबिट होता है. ये डेटर बनाएंगे इन लोगों से 35,000 रिसीव हो जाएगा. पीएल डेबिट 10,545 टू कंसाइनमेंट स्टॉक. ठीक है टू कंसाइनमेंट स्टॉक हो जाएगा 45,545. बस सारा चीज तो लिख लिया हम लोगों ने. दोनों साइड टोटल करो और मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है. प्रॉफिट ही होगा यहाँ पर मैंने चेक किया है प्रॉफिट होगा. लॉस होगा तो बाई पीएल लिख देना. बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है. टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट लिख सकते हो या फिर टू पीएल लिख सकते हो. बताओ टोटल करके बैलेंस करके कितना हो रहा है. ये बन गया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट. और इसके साथ हम लोगों ने ये वर्किंग भी सीख लिया है. अब नेक्स्ट हम लोग मिस गीता अकाउंट बनाएंगे. मिस गीता अकाउंट में हम लोग को ये देखना है कि गीता से क्या मिलेगा और गीता को क्या देना है. तो कुछ नहीं करना है कंसाइनमेंट अकाउंट पे जहां जहां मिस गीता लिखे हैं हम लोग उसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे. तो सबसे पहले तुम लोग को दिखेगा क्रेडिट साइड में बाई मिस गीता लिखा हुआ है तो तुम लोग क्या लिखोगे टू कंसाइनमेंट. टू कंसाइनमेंट लिखोगे और यहाँ हाइफन देके सेल लिख दोगे तो प्रॉपर हो जाएगा. और यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट होगा. अब इसका क्या क्या डेटा है वो देखते हैं. मिस गीता जो है उसमें कैरेज कमीशन रिपेयर्स कैरेज कमीशन रिपेयर्स कैरेज जो है वो 10,500 कमीशन जो है वो 54,000 और रिपेयर्स जो है वो है 2,500. तो यहाँ पर टोटल करके देखो बैलेंस तो इधर ही आएगा. मैंने इधर लाइन टान दी तो ये हो गया 9,00,000. इसका मतलब ये होता है कि मिस राखी सोच रही है मुझे मिस गीता से 9,00,000 मिलेगा लेकिन मुझे मिस गीता 9,00,000 नहीं देगी क्योंकि वो अपना खर्चा मेरे से काट के मुझे जो बचेगा वो पैसा वापस करेगी. तो टोटल कर 8,33,000 इसे हम लोग लिखेंगे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर. यानी मिस गीता से मिस राखी को कितना मिलेगा 8,33,300. तो बताओ समझ में आया.
ये था पहला अकाउंट, देन ये वाला था और लास्ट ये वाला। तो तुम लोग पहले ये फर्स्ट और सेकंड, ये वाला पेज जो है ना, ये और इसके लिए लास्ट ये जगह छोड़ दोगे, और ये वैल्यूएशन जो है ये लास्ट में करोगे। मतलब इसी तरह से अपना अरेंज करो स्पेस का कॉपी में, ताकि वैल्यूएशन नेक्स्ट पेज में कर लो, और एक पेज में ये दो अकाउंट जो फाइनल आंसर है उसके लिए ये वर्किंग नोट होगा। इस तरह से हम लोग को करना है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 5 करेंगे पहले, फिर 4 करेंगे, ठीक है? इलास्ट्रेशन 5। देखो क्या है, श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइन्स 1000 केसेस, ठीक है, 1000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1000 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई, ठीक है, मुंबई से चेन्नई में कंसाइन हो रहा है 1000 केसेस ऑफ गुड्स, और एक एक का वैल्यू भी 1000 करके ही है, ठीक है। तो टोटल कितने का वैल्यू हो गया गुड्स का, आई थिंक 1000 × 1000 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख। श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंस इन द कनेक्शन विद द कंसाइनमेंट। श्री मेहता कौन है? कंसाइनर है। कंसाइनर ने खर्चा किया है कैरेज, फ्रेट, लोडिंग। श्री सुंदरम सेल्स 700 केसेस एट 1400 पर केसेस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंस। 1000 में से 700 केसेस बिक चुका है, कितना करके? 1400 करके, मतलब 1000 का चीज 1400 में बिक गया है। और यहाँ पर इसने, मतलब कंसाइनी ने क्या क्या खर्चा किया है? क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, पैकेजिंग एंड सेलिंग, ठीक है। इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट। 50 केसेस जो है वो ट्रांजिट में ही लॉस हो गया था, ठीक है। 50 केसेस लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 आर स्टिल इन ट्रांजिट। इसका मतलब 1000 भेजा गया था जिसमें से 50 जो है वो लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, और 100 जो है अभी भी स्टिल इन ट्रांजिट है। तो इसके पास एक्चुअली पहुंचा ही कितना? इसके पास एक्चुअली पहुंचा होगा 850, जिसमें से इसने कितना बेच दिया है? 700। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना होना चाहिए? 150, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में 150 होना चाहिए। तो जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो हम लोग इस तरह से करेंगे। और बोला है कि कितना कमीशन मिलेगा? 10% ऑन ग्रॉस सेल। तो बताओ मुझे कमीशन कितना होगा? यहाँ पर दो चार छोटा मोटा चीज तुम लोग से पूछ लेते हैं, बताओ कमीशन कितना होगा, देखते हैं कैसे बताते हो। 10% ग्रॉस सेल बताया, बताओ। कैलकुलेटर लो, फटाफट इंटू करो, सेल वैल्यू निकालो और इंटू 10% करो। 10% ही तो है, 10% करोगे तो 98,000 आ जाएगा। और मुझे ये बता दो प्लीज, इसमें से नॉन रिकरिंग कौन कौन सा है, ताकि हम लोग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब करें तो तुम लोग में वो क्लैरिटी रहे कि कौन सा नॉन रिकरिंग है। बताओ जब क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो नॉन रिकरिंग खर्चा कौन सा है? क्लियरिंग चार्जेस, बिकॉज वेयर हाउस जो है, मैंने लास्ट दिन बताया था, वेयर हाउस स्टोरेज जो है वो तो रेगुलर बेसिस पे रेंट पे लेना पड़ता है, पैकेजिंग सेलिंग भी आफ्टर गोडाउन है, तो ये दोनों रेकरिंग हो जाएगा। तो जब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो कंसाइनी का सिर्फ यही लेना है, कंसाइनर का ऑलवेज ऑल एक्सपेंसेस लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो तुम लोग करना स्टार्ट कर सकते हो कंसाइनमेंट अकाउंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 × 1000 10 लाख। टू कैश कैरेज
10,000, freight 30,000, loading 10,000, तो ये हो गया 50,000. अच्छा, by श्री सुंदरम इससे सेल का पैसा मिलेगा, सेल जो है 700 × 1400 करके था, तो ये हो गया 9,80,000. ठीक है, उसके बाद टू सुंदरम, सुंदरम को क्या क्या पे करना है देखो, क्लीनिंग, क्लियरिंग, क्लियरिंग या फिर क्लीनिंग था 8,500, वेयरहाउस 17,000, पैकेज एंड सेलिंग 6,000, कमीशन, कमीशन अभी पता है मैंने कैसे कैलकुलेट करना है, ये 9,80,000 जो है सेल वैल्यू, इसके ऊपर 10%, ठीक है, यहाँ मैंने फिर से लिख दिया तो दैट इज 98,000, और यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो बस वो लिखेंगे हम लोग. अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर लेते, तुम लोग इसमें जगह छोड़ दो, ठीक है, हम लोग यहाँ पर हम इसी पेज में कर रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो कॉपी में, इसे वर्किंग नोट ही करना है. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बना लेते, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में देखो, गुड्स सेंट टू कंसाइनी का नाम क्या था, सुंदरम, अच्छा इसे सुंदरम लिख देते, गुड्स सेंट टू सुंदरम, वैल्यू है 1,000 यूनिट और ये हो जाएगा 10,00,000, ये अमाउंट और ये हो गया यूनिट, एड ऑल एक्सपेंस, ये वाला लैंग्वेज याद रखो, ऑल एक्सपेंस बाय मेहता, ऑल एक्सपेंस का टोटल हुआ था हम लोगों का यहाँ मुझे दिख रहा है 50,000, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स 10,50,000, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, फिर लॉस हो गया है, लॉस्ट इन ट्रांजिट और स्टिल इन ट्रांजिट, लास्ट दिन मैंने जो स्ट्रक्चर जो प्रोफोर्मा बताया था उसके साथ पूरा मिल रहा है ये वाला चीज, दोनों ही तरह से दिया हुआ है किस तरह से हम लोगों का गुड्स जो है वो कम पहुंच सकते हैं, या तो लॉस इन ट्रांजिट या तो स्टिल इन ट्रांजिट, तो दोनों का वैल्यू बताओ फिर से यूनिटरी मेथड से बताओ, और हम यहाँ पर 850 लिख देते हैं गुड्स रिसीव्ड, तुम लोग वैल्यू तब तक कर लो. बताओ 1,000 का अगर 10,50,000 है तो 50 यूनिट्स का कितना होगा, यूनिटरी मेथड तो जैसे 1,000 × 1,000 की 52,500 बस, और इसका भी उसी तरह से करो 100 × कर दो, 1,000 का अगर 10,000 मतलब एक एक यूनिट कितना हो गया, अभी 1,050 करके हो गया जो 1,000 करके था, तो 1,050 × 100 कितना हो जाएगा, सेम यूनिटरी मेथड से वैसे ही होगा, तो माइनस करके आ जाएगा 8,92,500.
और नॉन रिकरिंग एक ही खर्चा था, दैट इज 8500 क्लियरिंग या फिर क्लीनिंग ऐसा कुछ था, तो टोटल करके कितना हो जाएगा अवेलेबल फॉर सेल? ये माइनस कर दो 90, सॉरी ऐड हो जाएगा 901,000, ये हो गया टोटल गुड्स का वैल्यू जो सेल के लिए अवेलेबल है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो बेचा कितना था, उसने बेचा था 700 यूनिट, ये देखो हम लोगों ने लिखा था 700 यूनिट, तो बचा कितना इसके पास 850 माइनस 700, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचेगा 150। अब 150 का वैल्यू लगा लो, इसका वैल्यू अगर इतना होगा तो 150 का वैल्यू कितना होगा यूनिटरी मेथड, बताओ। अब इसका रिकॉर्डिंग करो बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के 159,000, और ये जो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ है 52,500, इसका भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो मैंने बताया बैलेंस नहीं होगा, 1000 यूनिट का जो भी कंडीशन है सारा फुलफिल करवाना पड़ेगा, और जो स्टील इन ट्रांजिट है उसे भी दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक में। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से बाय लॉस्ट इन ट्रांजिट, इस बार कोई क्लेम व्लेम नहीं है, अगर क्लेम होता तो वो भी लिख देते 52,500। ये कितना यूनिट है पता है तुम लोग को, ये बताओ कितना यूनिट था लॉस्ट इन ट्रांजिट, 50 यूनिट, ठीक है। और बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक का दो नेचर बन चुका है, एक इन हैंड मतलब जो कंसाइनी के पास है और एक इन ट्रांजिट, ठीक है। तो इन हैंड मतलब जो कंसाइनी के पास है उसका वैल्यू आया 159,000 और जो इन ट्रांजिट है 105,000, तो इसका टोटल करने के बाद जब वैल्यू करोगे तो इधर ही आएगा 2PL, ठीक है। ये देखो 1000 यूनिट का क्या क्या कंडीशन हुआ है, 700 सेल हो गया तो बचना चाहिए था 300, और ये इन हैंड जो है क्लोजिंग स्टॉक का, ये 159,000 वाला जो है ये है 150 और ये वाला जो है ये 100, तो क्लोजिंग स्टॉक में ही है 250 टोटल, 150 और 100 टोटल 250 है, और यहाँ पर लॉस हो गया है 50 तो कितना हो गया 300, और यहाँ पर 700 तो टोटल हो गया 1000। इस तरह से बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड यूनिट का, 2PL बैलेंसिंग फिगर करके आएगा 117,000, तुम लोग करके देख सकते हो प्रॉफिट आ जाएगा 117,000 आ रहा है प्रॉफिट दोनों साइड टैली करोगे तो। और लास्ट मुझे जो दिखाना है वो है कंसाइनी सुंदरम अकाउंट, टू कंसाइनमेंट, ये हमेशा सेल वाला वैल्यू होता है, सेल 980,000 बाई कंसाइनमेंट, यहाँ पर सारा खर्चा लिखना पड़ेगा, क्लीनिंग, वेयरहाउस, पैकेज, कमीशन, कमीशन था 98,000, पैकेज दिया हुआ था 6,000, वेयरहाउस था 17,000 और क्लीनिंग था 8,500। तो यहाँ पर बैलेंस करके देखो किधर आ रहा है, बैलेंस इधर ही आना चाहिए, यही तो ज्यादा लग रहा है, 980,000 बाय बैंक इधर हो जाएगा, बैलेंस आएगा 850,500। इसका मतलब ये है कि कंसाइनर जो है मिस्टर मेहता को सुंदरम से 980 मिलेगा, लेकिन सुंदरम को उनको पे करना है ये सारा जो खर्चा है ये पे करना है, इसका मतलब सुंदरम जब पैसा रिम्बर्स करेगा तब ये 980 रिम्बर्स नहीं करेगा, ये सारा पैसा अपना एडजस्ट करने के बाद 850,500 जो है वो रिम्बर्स करेगा। तो ये बन गया हमारा सुंदरम अकाउंट। तो ये दो सम्स हम लोगों ने किया आज, ये देखो
तो तुम लोग प्रैक्टिस करो, ये बीकॉम फर्स्ट सेम में भी है कैलकटा यूनिवर्सिटी में, तो ये करना ही पड़ेगा, ये एक आएगा, और सीएससीएससीएमए तीनों में ही है, ये ऐसा एक चैप्टर है जो सीएससीएससीएमए तीनों फाउंडेशन लेवल में है एंड बीकॉम फर्स्ट सेम में ही ये वाला चैप्टर है, तो ये करना ही पड़ेगा। ऑनर्स पढ़ो, जनरल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये वाला करना ही पड़ेगा। तो इस चैप्टर को अच्छे तरह से कर लो, क्योंकि पूरा बेनिफिट है इस चैप्टर में, क्योंकि तुम लोग का दो तरह का पढ़ाई हो जाएगा, जो जो प्रोफेशनल पढ़ाई कर लो हो एज वेल एज तुम लोग का जो एकेडमिक है वो भी हो जाएगा। अच्छा, आज क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम होमवर्क दे देंगे तुम लोग को कौन सा करना है, ठीक है? इसमें से तो नहीं देंगे, इसमें सॉल्व किया हुआ है, हम अपना कुछ क्वेश्चन तुम लोग को सेंड करेंगे, तो तुम लोग वहां से मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। प्लीज मुझे ऑब्वियस सेंड करना या फिर कोशिश करना करने का, ठीक है? अगर सेंड नहीं भी करते हो तो कम से कम खुद के कॉपी में जरूर करना, नहीं तो कंसाइनमेंट में दिक्कत हो जाएगा बाद में, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो।